गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, कोरोना को लेकर काफी सकारात्मक खबरें आ रही हैं। आज कुल 5,538 केस प्रदेश भर में आए, रिकवरी रेट 88% है, संक्रमण दर 8.5% रह गई है। प्रदेश में पर्याप्त ऑक्सीजन है, अभी भी भोपाल और इंदौर में केस ज्यादा है। ग्वालियर, शिवपुरी और दतिया डबल डिजिट से नीचे आ गए हैं। कमलनाथ के ट्वीट पर भी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा, कहा ये जनता के साथ क्रूर मजाक, असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। कांग्रेस ने तय कर लिया है कि जो राष्ट्रीय स्वाभिमान का कोई भी विषय होगा उस पर वो सवाल खड़े करें, चाहे वैक्सीन हो। भारत के वैज्ञानिकों ने विश्व के अंदर भारत के माथे को ऊंचा किया, तो कांग्रेस ने सवाल वैक्सीन पर खड़े कर दिए। इससे नपुंसक हो रहे हैं, इसमें सुअर की चर्बी है, मोदी जी क्यों नहीं लगवा रहे हैं, ये भाजपा की वैक्सीन है। सेना ने घुस के मारा पाकिस्तान में, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, उन्होंने सेना पे सवाल खड़े कर दिए। चुनाव हार गए तो ईवीएम पे सवाल, केस हार गए तो कोर्ट पे सवाल। कोई भी चीज राजनीति में इस स्तर पे नहीं होनी चाहिए। उसी का कारण है कि आज कांग्रेस वेंटिलेटर पे आ गई। भोपाल की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से बात होकर के, इंदौर में जैसा हुआ है उसका अध्ययन करके वैसा ही करने पर विचार उसके बाद करेंगे। कोरोना को लेकर काफी सकारात्मक खबरें आ रही हैं, उत्साहजनक खबरें आ रही हैं। मई के प्रारंभ में अज्ञात आशंकाओं से लोग घिरे थे, मई के मध्य और अंत तक ही, अभी तो मध्य ही के लगभग हैं हम, अच्छी खबरें सुनने को मिल रही। आज कुल 5,533 नए प्रकरण आए हैं पूरे प्रदेश में। पहले इतने प्रकरण दो ही शहरों के आ रहे थे, भोपाल इंदौर, आज मध्य प्रदेश भर के। दूसरी बात, आज जो ठीक होकर के, स्वस्थ होकर के अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए, ऐसे 10,885 हैं, मतलब दुगना आज प्रदेश के अंदर अस्पतालों में पर्याप्त बेड हैं, पर्याप्त ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में सरप्लस है, पर्याप्त वेंटिलेटर है, पर्याप्त सीसीयू है, पर्याप्त आईसीयू है, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारी रिकवरी रेट 88% हो गई, पुरानी स्थिति के लगभग हम पहुंचे जा रहे हैं। हमारे संक्रमण दर है वो अब घटके 8.5 रह गई। तो आप इसकी भी तुलना, जैसे मैंने पहले उन केसों की गई, इसकी भी करिए। रिकवरी रेट 88, मतलब 2 कम 90, 88 कुछ है, और संक्रमण दर 8.5। अभी भी केसों की दृष्टि से थोड़े ज्यादा मामले प्रतिशत में भोपाल और इंदौर के ही हैं, बड़े महानगर भी हैं हमारे यहाँ के। लेकिन जो उत्तर की तरफ हम ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, जहां एकदम तीव्रता आई थी, आज हम देखें डबल डिजिट से नीचे तीनों शहर आ गए। दतिया में संक्रमण दर हमारी कुल 3 की रह गई है, ग्वालियर के अंदर हमारी संक्रमण दर 5.2 है, शिवपुरी में 6.34 है। स्थिति पूरी तरह से अब नियंत्रण में आती जा रही है। हमने अपना अनुभव शेयर किया है, गौमूत्र को लेकर नहीं, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है।